हे गाइज, आप लोग के लिए लेके आ चुका हूँ एक मैं न्यू फेस स्मूथ ट्यूटोरियल। तो आप लोग फोटो पहले चेकआउट कर लीजिए, उसके बाद मैं आप लोगों को कुछ बताऊंगा। हर एक एंगल से मैं जूम करके पहले आप लोग को दिखा देता हूँ, और जो कि आप लोग देख सकते हैं, जो कि आप फोटो खुद देख लीजिए, और उसके बाद जो इसका ओरिजिनल पिक देख लीजिए। कुछ इस टाइप से रहेगा आप लोग का ओरिजिनल पिक, तो आप लोग इस टाइप से कर सकते हैं। तो गाइज, मैं बताना चाहता हूँ आप लोग को, ऐसा फेस स्मूथ के लिए ना कुछ नहीं करना आप लोग को, बस मेरा वीडियो एंड तक देखना है। और दूसरी बात जो है कि इस टाइप से फ़ोटो रहेगा या नहीं रहेगा, फिर भी जो है कि आप लोग इस ऐसा फेस स्मूथ कर सकते हैं, मतलब मोबाइल का फ़ोटो भी फेस स्मूथ कर सकते हैं। ये जो ट्रिक है, कैमरा का भी फोटो कर सकते हैं और कैमरा का भी फोटो का भी कर सकते हैं। तो गाइज, मैं आप लोग के लिए रोज़ न्यू फेस स्मूथ पर ट्यूटोरियल लेकर आता रहता हूँ, अलग अलग कॉन्सेप्ट जो है कि आप लोग को समझ में आ जाता है, वही जो मैं आप लोग को बताता रहता हूँ कि कहीं ना कहीं किसी को कोई कॉन्सेप्ट तो समझ में आएगा। तो आज भी कुछ नया कॉन्सेप्ट है, आप लोग वीडियो एंड तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो भी लोग हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, आप लोग कुछ नहीं करना है, जो भी आप लोग का ओरिजिनल पिक होगा, मतलब कैमरा से क्लिक किया होगा, यहाँ से शेयर पर क्लिक करके, और आप लोग को जो है कि सबसे पहले स्केच बुक में ज्वाइन हो जाना है। कि सबसे पहले आप लोग को हार्ड तरीके से फेस स्मूथ सिखाऊंगा, उसके बाद का बात कुछ बात है। तो यहाँ से देखिए डिस्क्रिएट करके, और जो है कि अपना फ़ोटो इसमें ऐड कर लीजिएगा, और देख सकते हैं कुछ इस टाइप से इंटरफेस दिखेगा आप लोग को स्केच बुक में आने के बाद। और जो मैं ट्रिक बताने वाला हूँ, सबसे हार्ड है, ठीक, बस आप लोग देखते रहिए। आप लोग क्या करना है, इधर से आप लोग को पहले लेयर पर क्लिक करना है, ठीक है, और लेयर पर क्लिक करने के बाद यहाँ से प्लस के आइकन पर क्लिक कर लेना है आप लोग को, और उसके बाद जो है कि आप लोग को एक लेयर बन जाता है, ठीक है ना। तो लेयर पे क्लिक करना है, और लेयर पे क्लिक करने के बाद जो है कि आप लोग यहाँ से नॉर्मल पे क्लिक कर लीजिएगा, और नॉर्मल पे क्लिक करने के बाद यहाँ से देख सकते हैं बहुत सारा ऑप्शन खुल के आता है। तो आप लोग टेंशन मत, घबराइएगा मत। तो यहाँ से आप लोग सॉफ्ट लाइट पे क्लिक कर लीजिएगा, और सॉफ्ट लाइट पर क्लिक करने के बाद जो है कि यहाँ से डन कर लीजिएगा, और डन करने के बाद देखिए कुछ इस टाइप से दिखने लगेगा। और उसके बाद जो है कि यहाँ से लाइब्रेरी को चूज करके, और नीचे के साइड आने के बाद जो है कि इस वाले ब्रश को चूज कर लेंगे आप लोग, ठीक है। इस वाले ब्रश को चूज करने के बाद यहाँ से सेटिंग कुछ इतना रख लेना है, ठीक है ना। यहाँ पे सॉफ्ट ग्लो लिखना, यहाँ पे ग्लो पे लगा लेना है, और ग्लो पे लगाने के बाद कुछ इतना रख लेना आप लोग को। और उसके बाद से जो है कि यहाँ से कलर पे क्लिक करके, और यहाँ से जो है कि कलर वाइट ले लेना आप लोग को, ध्यान से देख लीजिए, यहाँ रख लीजिएगा, और उसके बाद से जो है कि डन कर लीजिएगा। और डन कर बाद फोटो को जूम करके, ठीक है, अब ब्रश के साइज को एक बार चेकआउट करके, और कुछ इस टाइप से अपने फेस पे चलाइएगा। यहाँ पे जो है कि मैं आप लोग को बता दूँ कि जो है कि ये जो टोन देता है ना, ये ओरिजिनल टोन देता है आप लोग को, ठीक है ना। यहाँ पे ये ओरिजिनल टोन देता है, ऐसा नहीं है कि आप लोग को ओरिजिनल जो स्किन टोन होता है, ये वाला ब्रश जो कि एकदम वो वाला टोन दे देता है। आप लोग खुद कितना जूम करके देखेंगे, एकदम सेम टोन देगा। बस आप लोग को क्या करना है ना, आप लोग को इस टाइप से चला लेना है अपने स्किन पे, ठीक है। और यहाँ से जो है कि चाहे तो बैकग्राउंड पर भी चला सकते हैं, लेकिन मैं आप लोग पहले फेस पर चला के बता रहा हूँ, उसके बाद जो है कि बैकग्राउंड पर चलेगा। देखिए कुछ इस टाइप से चलाइएगा, ठीक है ना। ब्रश थोड़ा स्लो काम करता है, ठीक है, आप लोग थोड़ा स्लो ही काम कीजिएगा, इससे थोड़ा फास्ट काम करेंगे तो जो है कि आपका इधर उधर भी ब्रश चल सकता है, आपका फ़ोटो भी बेकार हो सकता है। तो बस आप लोग एकदम ध्यान पूर्वक चलाइएगा, ठीक है ना। और यहाँ से देखिए कुछ इस टाइप से करने के बाद देखिए दाढ़ी वगैरह में, ठीक है ना, इस टाइप से चला लेंगे। उसके बाद से मैं आप लोग को बता रहा हूँ फटाफट से जो है कि ब्रश को चला, ब्रश के साथ चला लेते हैं। जो आप लोग देख सकते हैं जो कि मैं अपने फेस पे वाइटनिंग लेके आ चुका हूँ, ठीक है ना। और इसके बाद से आप लोग घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप लोग को बेकार थोड़ा फोटो दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पर टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से सबसे पहले जो है कि आप लोग को शेयर पर क्लिक करके, और अपने फ़ोटो को गैलरी में सेव करना है, ठीक है गाइज। और सेव करने के बाद जो प्रोसेस मैं बताता हूँ, शायद आज के पहले कोई नहीं बताया होगा आपको। देख सकते हैं जो कि मेरा फोटो है वो गैलरी में सेव हो चुका है। और यहाँ से जो कि आप लोग कुछ नहीं करना है, यहाँ से शेयर पे क्लिक करके, और जो है कि अपना फ़ोटो पहले लाइटरूम में ऐड करना है। यहाँ पे जो है कि आप लोग को प्रीसेट का यूज करना सबसे ज़रूरी होता है, क्योंकि बिना फेस वाइटनिंग का और यहाँ से जो है कि आप लोग को कुछ काम नहीं होगा, केवल फेस वाइट से काम नहीं होगा, बैकग्राउंड भी एडिट करना पड़ेगा, आप लोग को बता देता हूँ। तो यहाँ से जो है कि देख सकते कुछ इस टाइप से हो जाएगा ना। तो ये जो आपका फ़ोटो रहेगा, फ़ोटो पे क्लिक करके और देखते रहिए, जो मैं बताऊंगा वही करना आप लोग को। यहाँ से देखिए एडिट पे क्लिक करके, और यहाँ से लाइट पे क्लिक करके, और यहाँ से कंट्रास्ट को प्लस कर देंगे, और जो है कि हाईलाइट को फुल माइनस कर देंगे, शैडो को प्लस कर देंगे फुल, ठीक है, वाइटनिंग को ब्लैक को दोनों कम कर देंगे इतना इतना, ठीक है ना। और उसके बाद कलर पर क्लिक करके, और यहाँ से टेम्परेचर को, टिंट को, और विब्रेंस को हल्का सा, सेचुरेशन को हल्का सा प्लस कर लेंगे, नहीं सेचुरेशन को माइनस करेंगे, यहाँ पे कलर आ रहा है फेस पे मेरे। और उसके बाद से जो है कि कलर मिक्स पे क्लिक करके, और जो है कि
येलो और ग्रीन का जो देख सकते हैं, मैं येलो ग्रीन का जो कलर है माइनस कर दे रहा हूँ और जो एक इसका लुमियंस प्लस कर दे रहा हूँ, ठीक है, और येलो कलर का भी लुमियंस प्लस कर देता हूँ, तो कुछ इस टाइप से मेरा था बैकग्राउंड, ठीक है ना। और उसके बाद जो है कि आप लोग क्या करना है, सेकेंड नंबर कलर लेके और सेचुरेशन को माइनस करके इसको प्लस कर देना है, ठीक है ना। देखिए फेस कितना अच्छे तरीके से वाइट हो गया। और उसके बाद जो कि रेड कलर को भी प्लस कर देंगे और ह्यू को माइनस कर देंगे, थोड़ा सा लुमियंस को कम कर देंगे, ठीक है। और देखिए जो कि फेस कितना अच्छे तरीके से वाइट हो चुका है, आप लोग खुद देखिए कितना शानदार लग रहा है यार, क्या वाव। और देखिए बैकग्राउंड भी मैचिंग कर चुका है आप लोग का। और उसके बाद जो है कि यहाँ सेट कलर होता है उसको जो कि इसका सेचुरेशन प्लस कर देंगे। और उसके बाद जो है कि यहाँ से इफेक्ट क्लिक करके टेक्चर को और यहाँ से टेक्चर को, क्लैरिटी को और यहाँ से डेज को दोनों को प्लस कर देंगे, ठीक है, इतना इतना प्लस कर देंगे। और उसके बाद से जो है कि देख सकते सार्पेनिमा के अमाउंट को 50 प्लस, डिटेल्स को इतना 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 जितना रख रहा हूँ उतना उतना आप लोग को रख लेना है, देख लीजिए आप लोग, ठीक है। यस कलर नॉइज को भी बढ़ा लेंगे, देखिए कितना शानदार लगने लगा बैकग्राउंड के साथ, ठीक है। और जो कि मेरा फेस तो बहुत ही HD क्वालिटी में पानी जैसा हो गया है, यहाँ पे जो कि फेस स्मूथ करने में बहुत ही मज़ा आएगा आप लोग को। तो देख सकते हैं जो कि यहाँ पे इतना काम करने के बाद आप लोग क्या करना है, यहाँ से जो है कि शेयर पे क्लिक करके और जो है कि शेयर पे यहाँ से क्लिक करके और आप लोग को लास्ट में जो है कि स्केच बुक में ज्वाइन होना है, ठीक है। अब आप लोग जो फेस स्मूथ करेंगे बहुत ही झकास तरीके से होगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ से डिस्क्रिएट कर मेरा फोटो जो है कि स्केच बुक में ऐड हो चुका है और फाइनली आप लोग बस स्मूथ करना बचा है, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग क्या करना है, लाइब्रेरी पे क्लिक करके और जो है कि नीचे के साइड आने के बाद जो है कि आप लोग को देखिए, हाँ समूह में आने के बाद देख सकते हैं, इसमें आने के बाद समूह में स्मूथ में जो है कि आप लोग को ये एक ब्रश जो है कि मिल जाता है, एकदम नॉर्मल ब्रश है, ठीक है। आप लोग को मैं ज़्यादा परेशान नहीं करता हूँ। और यहाँ पर जो है कि आप लोग को 9 रख लेना है फॉलो को, स्ट्रेंथ को 13 रख लेना, ठीक है। और जो है कि फ़ोटो को जूम करके और जो है कि ब्रश को साइज को चेकआउट जरूर करते हैं जूम करने के बाद, मैं डेली बताता हूँ। और कुछ इस टाइप से जो है कि करेंगे तो आपका फेस वाइट बहुत ही जानदार तरीके से होगा, देख लीजिए आप लोग खुद, मैं जो कर रहा हूँ आप खुद जो चेकआउट कर कीजिए और एक बार फिर मुझसे बताइए कि हाँ आपका फेस स्मूथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। जाइए वीडियो को छोड़ के आप जाइएगा और ये जो ट्रिक है यूज कीजिएगा, अगर सही लगेगा तब जाके आके आप लोग इसमें जो है कि कमेंट करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये जो तरीका है आज तक कोई आप लोगों को बताया नहीं होगा। एकदम ग्लो, एकदम सॉफ्ट ग्लो होता है, एकदम मजा आ जाता है यार इसमें। आप लोग जो कि इसमें जो यूज किया है ना, वो वाला जो लेयर के साथ जो यूज किया है ना फिल्टर ब्रश, वो जो है कि बहुत ही शानदार तरीके से जो लुक फेस पे लेके आता है, ग्लोइंग बहुत ही हार्ड ग्लोइंग लेके आता है, आप लोग देख लीजिए एक बार, बहुत हार्ड जो है कि इस टाइप से अगर करेंगे ना तो आपका फेस जो है कि आपका फोटो जो है कि इंस्टाग्राम पे वायरल 100% होगा, जो है कि देख सकते हैं आपका भाई एकदम आसान तरीके से बता रहा है। और जो है कि फेस स्मूथ जो है कि नाक वोक पर कैसे करते हैं हर एक चीज़ आप लोग दिख रहा होगा, गोल वाइट पट्टी जो है कि मैं घूम रहा हूँ, जहाँ जहाँ घुमा रहा हूँ वो आप लोग तो दिख ही रहा होगा। और जो कि आप लोग को लाइव प्रूफ भी कई बार दिखा चुका हूँ कि ब्रश को कैसे चलाते हैं, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर देख लीजिए पहले कितना शानदार तरीके से जो है कि लुक दिया है, फेस स्मूथ बहुत ही हार्ड हो रहा है, ठीक है। बस जो है कि आप लोगों को जो मैं लास्ट में बैकग्राउंड में कलर वगैरह यूज किया था वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो सबसे पहले जो है कि यहाँ पे स्मूथ पहले सीख लेंगे तभी ना वो मैं बताऊंगा, छोड़ के जाएंगे तो यहाँ से जो कोई कुछ भी आप लोग का मुमकिन नहीं है। तो देख लीजिए पहले कितना हार्ड जो है कि फेस स्मूथ हो गया, आपके सामने लाइव प्रूफ में करके दिखा दिया, इस तरीके से जो है कि आज तक आप लोग को कोई नहीं बताया होगा। और ये जो कलर है ना, जो शुरुआती में लेयर पर ब्रश चला रहा था ना, उसमें जो है कि आप लोग को धीमे चलाना है, कपड़े वगैरह पर नहीं चलाना है, केवल फेस पर ही चलाना है, ठीक है। तो जो है कि वहाँ पे जो है कि आप मिस्टेक नहीं करेंगे तो यहाँ पे मिस्टेक नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे तो मैं आप लोगों को तरीका बता रहा हूँ, तो इधर फटाफट करना है ना, क्योंकि आप लोग वीडियो लंबी होती है तो आप लोग देखते नहीं हो, छोड़ के चले जाते हो, तो ऐसा काम करते हो अपने भाई के साथ, मतलब गद्दारी करते हो भाई, आप लोग को इतना अच्छे से मैं बताता हूँ, इस वजह से थोड़ा तेज़ी से मैं बताता हूँ, बरस वरस चलाता हूँ, इधर उधर आ जाता है, तो उस पर जो है कि आप लोग को ध्यान नहीं देना है। जो है कि आप लोग खुद देख लीजिए आपका भाई कितना शानदार तरीके से फेस स्मूथ, और काफ़ी ज़्यादा ये वायरल हो रहा है फोटो मेरा फेस स्मूथ वाला, और जो है कि देखिए कितना शानदार लगने लगा। और यहाँ पे जो है कि लिप्स कलर करने के लिए यहाँ से लेयर बना के और लेयर पे क्लिक करके सेम काम करना है, सॉफ्ट लाइट कर देना है, ठीक है। और कलर जो है कि यहाँ से जो चाहे आप ले सकते हैं, पिंक है, और उसके बाद से जो है कि यहाँ से ये कलर ब्रश को लेके और यहाँ से अपने लिप पे चला लेंगे, ठीक है, जो है कि आपका लिप पिंक हो जाएगा, जो कलर करेंगे वो कलर होगा यहाँ से, ठीक है, ये नहीं है कि केवल यही कलर होगा आप लोग का, ठीक है। तो यहाँ से देखिए इतना होने के बाद यहाँ से जो है कि लेयर पे क्लिक करके और यहाँ से जो है कि ऑपेसिटी को मारेंगे चाहे कम कर सकते हैं, और दोबारा जो है कि यहाँ से शेयर पे क्लिक करके
और यहाँ से जो है कि आप लोग को लास्ट में क्या करना है, फाइनली जो बैकग्राउंड एडिट करना है उसके लिए जो है कि आप लोग को पिक्सआर्ट में ऐड होना है, ठीक है। वहाँ पे जो है कि आप लोग को बहुत अच्छा तरीका बताऊँगा बैकग्राउंड को मैचिंग कराने के लिए। तो देखिए ये इस तरीके से पिक्सआर्ट में आ जाता है, तो आप लोग कुछ नहीं करना रहता है। क्या करना है, यहाँ से जो है कि इफेक्ट पे क्लिक करके, और आप लोग कुछ नहीं करना, इधर आर्टिस्ट पे आ जाना है, आप फाइटल वन पे क्लिक करके, और जो है कि आप लोग क्या करना है, यहाँ से जो है कि मल्टीप्लाई करके और यहाँ से कम कर लेना है, यहाँ से जो है कि जीरो कर लेना है आप लोग को फाइट को, और यहाँ से जो है कि इरेज बटन पर क्लिक करके, और यहाँ से जो है कि आप लोग को बैकग्राउंड कर लेना है, ठीक है। यहाँ से बैकग्राउंड कर लेंगे और दोबारा जो है कि क्लिक करके आप लोग क्या करेंगे, आगे आ जाएंगे, और यहाँ से जो है कि फिर से स्टिकर पे क्लिक करके यहाँ से आप लोग को ये लाइट वाला यूज कर लेना है, ठीक है ना, जैसे मैं यूज किया था, ठीक है ना। इस टाइप से जो है कि यूज कर लेंगे, आप लोग का जो भी कलर वगैरह होगा सब ख़त्म हो जाएगा, इस टाइप से यूज कर लेंगे, और जो यहाँ से फेस स्मूथ फेस पर से इरेज कर लेंगे, ठीक है, बड़ा बड़ा साइज करके यहाँ से जो है कि इरेज कर लेंगे। सेम काम करेंगे तो जो है कि आपका बैकग्राउंड इस टाइप से जो है कि बन के रेडी हो जाएगा, जहाँ चाहे वहाँ पे आप रख सकते हैं, ठीक है। इसका डुप्लीकेट ले बना के ऊपर इसी टाइप से मैं किया था, जाके आप लोग मैचिंग करा सकते हैं, सेम फोटो एकदम एडिट हो गया, ठीक है ना। आप लोग जो है कि वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो अपने भाई को वीडियो को लाइक करके और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ऐसे वीडियो हमेशा लेके आते रहते गए। तो चलिए मिलते कल के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।